ये देख, ये यशु के दो दो मामू आ रखे हैं। इसमें आपके इतने सारे कपड़े देखो, क्या क्या गिफ्ट आए आपके। ये सब पहले देखो तो, देख तो लो। सारी चॉकलेट खाली है, बाकी नहीं देखना। यशु नहीं देखना आपको। ये देखो बेल बॉटम पैंट। अच्छा इसीलिए बोल रही थी बुबू, क्या पहुंचा देंगे तेरा सामान, टेंशन मत ले। ये क्या है, ये कपड़े दे दिया। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे सुबह के 9:30 और हम लोगों की सवारी चले बिना खाए पिए घूमे करने। सो हमारे साथ कौन कौन जा रहा है, नीरज, सैलू और संदीप, यशवी एंड मैं। सो नहीं मिल पाया सुबह टाइम, तो रात में मैंने सोचा था मैं थोड़ा रोटी वगैरह बना के ले चलूंगी। हम थोड़ा पिकनिक टाइप का मनाएंगे, इंजॉय करेंगे पिकनिक, लेकिन नहीं हो पाया तो अभी हम लोग निकलते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं अपना ट्राईपॉड यूज़ कर रही हूँ, ये सारे वीडियोस। सो हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं, बिकॉज संडे आज वीकेंड है, तो बहुत भीड़ होती है, तो हम सोच रहे हैं फटाफट करते हैं। आज हमारा प्लान सही ही, हमारा ऐसी प्लान है कि हम नाश्ता वगैरह सब बाहर करेंगे, तो फटाफट अपने काम वाम निपटा के निकले हम लोग। तो अभी हम जस्ट ऑन द वे हैं और पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं। हर लड़की के पैरों में ब्रेक है। हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच चुके हैं मसूरी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मसूरी, मतलब मसूरी रोड पे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं और ये देखिए व्यू देख रहे हैं आप, यहाँ से पूरा देहरादून दिख रहा है। बैक साइड से आप लोगों को दिखाती हूँ, पीछे संदीप और यशवी हैं और यहाँ पर नीरज और सैलो है साथ में। मैं दिखा रही हूँ आपको बैक साइड से। यशवी अब मैं ही खा रहा हूँ, मेरे को शेयर करोगे? नो। हम लोगों ने यहाँ पर अपना नाश्ता वगैरह कर लिया, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, लेकिन हाँ ठंडी हवा भी चल रही है साथ में। हाँ वो है मसूरी, तो हमारा मसूरी जाने का प्लान नहीं है गाइस, हम लोग मट्टा फॉल जा रहे हैं। और देखते हैं वहाँ जाके कितनी भीड़ होती है कितनी नहीं होती, क्योंकि अभी सुबह तक तो कोई ट्रैफिक नहीं था, लेकिन अब ट्रैफिक भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं ऊपर की ओर। और जहाँ पर हमने लंच मतलब ब्रेकफास्ट किया वहाँ पर बहुत ही अच्छा हमने ब्रेकफास्ट किया, पराठे खाए साथ में, मैगी ली, चाय बहुत अच्छी थी वहाँ की। प्लीज़ हम लोग बट्टा फॉल पहुँच चुके हैं और अभी हम पार्किंग में लगा रहे थे कार को, नीचे ले जाते हैं कार को। सो वहाँ आप लोग भीड़ देख रहे हो ना, बहुत भीड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा। आज संडे की वजह से भी काफ़ी भीड़ है और टूरिस्ट भी काफ़ी लोग आ रहे थे वहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कार लेके नीचे जाना चाहिए था, बट संदीप ने पार्किंग में लगा दी, तो अभी हमें इससे ही जाना पड़ेगा रोपवे से। और मेरा ट्राईपॉड ना गाड़ी में छूट गया था, तो मेरे को अभी दोबारा आना पड़ा ट्राईपॉड के लिए, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे हमें मिल नहीं रहा और खो गया। और मुझे लग रहा है आज बहुत भीड़ है, क्योंकि रोपवे के लिए भी लाइन लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और देखते हैं, फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं हम भी, इतना टाइम बाद देहरादून हो गया, इतना टाइम रहते हुए हो गया देहरादून, लेकिन हम भट्टा फॉल नहीं आए। आज जाके देखते हैं कैसा है, काफ़ी सुना है इसके बारे में और आप लोगों को भी लेके चलेंगे। 250 रुपये पर पर्सन यहाँ पर टिकट है और 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी है, तो इसमें यशी का टिकट भी लगा है यहाँ पर। और मुझे लग रहा है नीचे दबा के भीड़ होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़, एक्सट्रीम अमाउंट। और यशी आप चलो दोनों के दोनों बताएंगे कि किस तरह की खुशी आप लोगों में है, पहली बार इस तरह की ट्रॉली में बैठ रहे हैं। पहले नीरज से पूछते हैं, आइए, हमारा 48 नंबर है वैसे। चलो तो गाइस इस तरह का वेटिंग एरिया, तो गाइस अभी चल रहा है 41 नंबर और हमारा है 48। 250 रुपये टिकट है।
सारे शरणार्थी इंतजार करते हुए वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन के लिए। हम वैष्णो देवी नहीं जा रहे गाइस, हम लोग घूमने जा रहे हैं नीचे भट्टा। यहाँ पर नीचे से स्टार्ट है सब कुछ, मतलब पानी वानी वाटरफॉल, लेकिन हम लोग ऊपर जा रहे हैं सबसे ऊपर। और यशवी भी आराम से चल रही है। सो गाइस, हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि नीचे नहाएंगे, लेकिन अब ऊपर जा रहे हैं। एंजॉय करेंगे आराम से, लगेंगे टेबल्स और यहीं पे नहाएंगे, यहीं पे आराम से बैठेंगे। भाई पानी की बोतल लिया हमारी तो नीरज, अगर तुझे नहीं नहाना यहाँ बैठ जा। तो हमें अब हम ना नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और काफ़ी सारे लोग जो ड्रिंक कर रहे हैं ना, वो शायद नहा रहे हैं ऊपर, तो बहुत मतलब रश हो चुका है। तो हम लोग सोच रहे हैं यशु को थोड़ा स्विमिंग पूल में ले जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़िद कर रही है स्विमिंग पूल में जाने की। तो अभी पैर भी ना ऐसे पानी में रख रख के थोड़ा सेंसिटिव से हो गए, तो नीचे रखने में ना पत्थर चुभ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जाते हैं नीचे। और ये देखिए, यहाँ पर इनका प्लान है इस बड़े वाले झरने में जाने का, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर यशु को ले जाना थोड़ा रिस्की होगा। तो लॉकर को हमने खाली करके नीचे की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पर यशु को थोड़ा रेन डांस करना है तो उधर, तो अभी उसे स्विमिंग पूल में जाना, तो यहीं ले जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, ताकि तो गाइस यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि यशु और संदीप जाएंगे, मैं और नीरज और सैलो नहीं जा रहे पानी में। बिकॉज़ हमारा मन नहीं, हमारा ये था कि हम उसी बहते हुए पानी में जाएँ। तो यहाँ पर यशु और संदीप को ले जा रहे हैं संदीप के लिए। जाओ अब दोबारा से हो रहा है, क्योंकि संदीप औरों का मन नहीं भरा, तो वो दोबारा जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, तो बस स्विमिंग पूल में इसलिए गए थे यशु की वजह से, उसको जाना था, नहीं तो किसी को भी स्विमिंग पूल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मज़ा तो बहते हुए पानी में ही है।
सो अभी हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया काफ़ी देर तक। स्विमिंग पूल से आने के बाद हम यहाँ फिर से बटरफॉल आ गए और मैं अभी ऐसे पानी में बैठी हूँ, देखा बहुत सारा पानी और संदीप और ऐसी संदीप हीरा जो फैलो ऊपर गए हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला फॉल है ना वो दिख रहा होगा आपको, बहुत जा रहे थे वो लोग इन्जॉय करने। तो मैं अभी ऐसी को नहीं नहला रही और जैसी अभी आराम से बैठी रहेगी उसके लिए मैंने ब्रेड ऑमलेट मंगा लिया है, थोड़ी चाय मंगा ली है अपने लिए रेसी के लिए और ये सीने खाने पर। अभी मैं पूछ लूँगा क्योंकि कपड़े चेंज करा दिए मैंने, इतने पानी में बैठे बैठे देखो ये सी अब आई खाएगी ब्रेड अंडा, ब्रेड अंडा ऑमलेट अंडा मंगाया मैंने कॉटन कैंडी भी खाई, कॉटन कैंडी कॉटन कैंडी I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. हालत वालत हमने सुधार ली है और बाकी हम लोग अब थोड़ा सा निकल रहे हैं यहाँ से, वेट कर रहे हैं ट्रॉली का, तो आएगी तो हम रोपवे से जाएंगे ऊपर। बाकी बैक साइड का व्यू आप देख ही रहोगे, बहुत ही अच्छा है और ये साइड सारा व्यू। चलो गाइज हम लोग निकल रहे हैं, been on the road, been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all the blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young, die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause a good die young, yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Guys, हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में कार में बैठने, और ऊपर देखिए मसूरी कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। हम निकल रहे हैं पार्किंग से और बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से गाइस, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये देखो। गाइस यहाँ पर ये लोग गाड़ी में मोमोज खा रहे हैं देखिए, और खा रहे हैं पीछे से पूछ भी नहीं रहे हैं, पहले वो देख रहे हैं कि मिर्च वाले हैं कि कैसे, फिर हम खुद ही खा लेंगे। सो गाइस हम लोग घर की तरफ आ चुके हैं, मतलब थोड़ा सा ही रह गया, बाकी हम किसी काम से गए थे अभी वो कंप्लीट हो चुका है। क्या खुल गया? बारबेक्यू नेशन। अच्छा ऐसी बारबेक्यू नेशन जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, शाम के बज चुके हैं 6:30 पौने 7 और ट्रैफिक भी हो रहा है बहुत ज़्यादा।